कान्हा कृष्णा किचन के सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम बनाएंगे बिना चीनी और बिना गुड़ के आंवले का मुरब्बा। इसके लिए जितनी मात्रा में हम आंवला लेंगे उतनी ही मात्रा में हम मिश्री लेंगे, मिश्री वो भी धागे वाली मिश्री। यहाँ हम किसी भी चुने का पानी या फिटकरी का पानी कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने आज यहाँ पे जो आंवला लिया है वो 1 किलो आंवला है, इसको हमने साधारण पानी में भिगो के रखा हुआ है। जितनी मात्रा में आप आंवले लेंगे उतनी ही मात्रा में आप मिश्री लेंगे। आंवले लिए हैं, उनमें फोक की सहायता से हम इनमें छेद निकालते हैं सब में। ये सारे आंवलों में हमने छेद निकाल लिया है फोक की सहायता से। इनको गर्म पानी में ये सॉफ्ट होने तक उबालेंगे। ध्यान रहे इनकी कलियां अलग नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी देर इनको उबले हुए पानी में डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब जो आंवले आपके उबल रहे हैं इनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए ताकि ये सारे एक साथ सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमारे आंवले उबल के तैयार है। आपको तब तक उबालना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। ध्यान रहे इनकी कलियां अलग नहीं हो, सॉफ्ट भी हो गए हैं ये अच्छे। देखिए हमारे आंवले हमने पानी में से निकाल लिए हैं। ये पानी है ये भी विटामिन सी से भरपूर है, इससे आप अपने बाल वॉश कर सकते हैं। जो हमने मिश्री ली थी उनको मिक्सी से हमने अच्छे से बारीक बारीक पीस लिया है। अब हमें एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हमने जो मिश्री पीसी है वो डालेंगे। अब जो आपने मिश्री लिया है उसके अंदर ये सारे आंवले डाल दीजिए। ये आप हमारे जो आंवले हैं इसके अंदर हम 4-5 चम्मच पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है। चम्मच की सहायता से सारे आंवलों को मिश्री के इस पाउडर में अच्छे से मिला दीजिए। ये देखिए सारे आंवलों को अच्छे से मिला लीजिए। इनको हम धीरे धीरे हिलाएंगे, नहीं तो ये कट जाएंगे। और इसको हम धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि हमने जो इसके अंदर फोक से छेद किया था उनमें अच्छे से ये मिश्री मिल जाए। देखिए हमने अब इसको ढक दिया है, यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप बीच बीच में इसको हिलाते रहिए। तो बीच बीच में हिलाते रहिए, देखिए इनकी चाशनी बन गई है। बीच बीच में आप इनको हिलाते रहिए, ये देखिए तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए तो बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा। आपको यदि जरूरत हो उस हिसाब से पानी आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देखिए हमारा मुरब्बा बन के तैयार है। इसके अंदर आप थोड़ी इलायची पीस के डालिए और थोड़ा सा सेंधा नमक से का टेस्ट और जायकेदार हो जाएगा, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर के अंदर मिला दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगे।
ठंडा होने के बाद हम किसी बर्तन में डालेंगे। वैसे ये रेडी टू ईट हैं, आप इनको अभी से शुरू कर सकते हैं ठंडा होने के बाद में। ये देखिए हमारे आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हैं। आइए इनको आप अभी से शुरू कर सकते हैं। दिखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है और यम्मी यम्मी। आप खाइए, बड़े बुड्ढों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, आए हुए मेहमानों की आव वक्त की में भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। खाइए, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। राधे राधे।